आज की डेट में इंडिया का जितना भी बच्चा है वो सिर्फ और सिर्फ रैंकर बैच को क्यों पसंद कर रहा है, जिनमें से कुछ पॉइंट्स आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हो सकता है आप या आपका कोई छोटा भाई बहन एनडीए की तैयारी कर रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर वन, जो कि एनडीए 2 2023 का पेपर ही है, जहां आपने देखा कि मयंक सर के नोट्स में से डायरेक्टली 85 प्लस क्वेश्चंस वहां से आए थे। और न ही सिर्फ मैथ्स में, बल्कि इस बार अगर बात की जाए जीएटी के पेपर की भी, तो जीएटी में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी डायरेक्टली हमारे एमजीएस के नोट्स में से आया था। इससे ये मालूम चलता है कि अगर आप एनडीए के एस्पिरेंट हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन जब नोट्स में से आते हैं तो नोट्स की रेलेवेंस बढ़ जाती है और हमें भरोसा भी एमजीएस के ऊपर बढ़ जाता है। रीजन नंबर टू, जैसा कि आपको पता है पढ़ाई में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है टीचर्स का। वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, उनके स्टाइल क्या है। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में था तो मेरे टीचर्स कुछ ऐसे पढ़ाते थे कि लगता था मैं कब क्लास छोड़ के भाग जाऊं। बट अगर मैं बात करूं एमजीएस की, तो यहां सारे टीचर्स इतना एंगेजिंग स्टाइल में पढ़ाते हैं, इंफोटेनमेंट होता है, एंटरटेनमेंट सब आते हैं कि कब हम लोगों की क्लासेस ओवर हो जाती है बच्चों को पता ही नहीं चलता और बच्चे को पढ़ने में मजा भी आता है। रीजन नंबर थ्री, एक एनडीए क्वालिफाई कराने के लिए जितना जरूरी होता है स्टूडेंट का रोल, उससे कई गुना ज्यादा होता है टीचर का रोल। बच्चा टीचर को अपने इंस्पिरेशन की तरह देखता है, तो टीचर का पैशनेट होना, डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। बात की जाए एमजीएस की टीचर्स की, तो यहाँ पे 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे लगातार जब टीचर पढ़ाता है, तो जब बच्चा उसको देखता है तो वो कहता है अगर मेरा टीचर 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे लगातार पढ़ा सकता है तो मैं पढ़ क्यों नहीं सकता। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है एनडीए में सक्सेस रेट का। पॉइंट नंबर 4, ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। यानी एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरी होता है पढ़ाई, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस। और बात की जाए प्रैक्टिस की, तो एमजीएस जाना ही उसे लिए आता है। एमजीएस में मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी इतनी प्रैक्टिस करा दी जाती है, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दी जाती है, इतनी बार मॉक्स ले लिया जाता है कि बच्चा जब एग्जाम में आता है तो उसे जरा सा भी प्रेशर फील नहीं होता है और वो आराम से पेपर क्वालिफाई कर लेता है। रीजन नंबर 5, जब बच्चा एक ऐप से पढ़ाई करता है तो बहुत सारे उसके सामने हर्डल्स आते हैं जो ऑफलाइन में नहीं आते। जैसे कि अगर वो पढ़ाई कर रहा है, उसे रिविजन करना है तो कैसे करे, उसको नोट्स पढ़ना है, प्रिंट आउट निकालना है तो कैसे करे, या बाइलिंगुअल नोट्स है कि नहीं, इन सब बातों का हमारी ऐप में बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और हार्ड कॉपी में पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ मॉक्स देने हैं जो हार्ड कॉपी में, क्योंकि एनडीए का मॉक हार्ड कॉपी में ऑफलाइन होता है, और ये लास्ट कुछ सालों में मैंने देखा है कि आप जब ऑनलाइन मॉक देते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आता है, पर जब आप ऑफलाइन मॉक देते हो तो आपका स्कोर कुछ ना कुछ गिरता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस बार हमारे ऐप में कुछ हम लोगों ने ऐसे प्रोवाइड किया है कि लगभग 10 मॉक बच्चे को ऐसे मिलेंगे जिनका वो प्रिंट आउट निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। रीजन नंबर 6, जब एक बच्चा एनडीए की तैयारी शुरू करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है एग्जाम अवेयरनेस। एग्जाम अवेयरनेस मतलब क्या, कि कौन सा सेक्शन है जिसको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन सा सेक्शन है जिसको हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है टाइम डिवीजन, एनर्जी डिवीजन, जिससे कि रिजल्ट्स आपका बढ़े। और ऐसे में एमजीएस की टीचर्स का ये रोल होता है कि बच्चे को स्टार्टिंग में ही ये गाइड कर देना कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसे छोड़ना है और किसे फोड़ना है। एक स्टूडेंट को किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जितना जरूरी होता है स्किल, पर उससे बहुत गुना ज्यादा जरूरी होती है विल, यानी इच्छा शक्ति, वो आती है मोटिवेशन से। तो एमजीएस का जितना भी बच्चा है वो एक चीज तो मानता है कि भाई अगर एमजीएस से पढ़ रहा है तो वो मोटिवेशन लेवल कभी भी कम नहीं होता और हर दिन लगता है कि और अच्छा किया जा सके। तो अगर बच्चे का माइंडसेट ही बदल दिया जाए तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ जाता है और जिसके कारण उसका सिलेक्शन रेट अपने आप बढ़ जाता है। रीजन नंबर 8, जब एक बच्चा एनडीए की तैयारी के लिए सोचता है तो सबसे बड़ा डर उसके सामने आता है वो है मैथ्स, कि मैथ्स को कैसे टैकल करें, वो भी एग्जाम में जहां 150 मिनट है और 120 क्वेश्चन है। तो ऐसे में रोल आता है मयंक सर यानी बीबीआर का, जहां पे वो अश्योर करते हैं कि मैथ्स का डर ही ना खत्म हो, बल्कि बच्चा जल्दी, यानी उनके शॉर्ट ट्रिक्स, उनके जुगाड़, जो चैनल का नाम भी है जुगाड़ से, इतने सारे देते हैं कि वो बच्चा खुद ही मोटिवेट भी होता है, कॉन्फिडेंट भी होता है और एग्जाम में अच्छा स्कोर करता है। रीजन नंबर 9, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज भी यूपी, बिहार और ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, पर वो भी चाहते हैं देश की सेवा करना, पर उनको उनके हिसाब से कंटेंट नहीं मिल पाता। बट इस बार मैं अश्योर कर चुका हूँ कि अगर आप एमजीएस डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, अगर आपका सपना है तो वो सच हो। यानी हम लोग हिंदी में भी और इंग्लिश में भी पूरे नोट्स, पीडीएफ, पढ़ाने का स्टाइल, क्विज, टेस्ट, सब कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड करते हैं। रीजन नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
वो है सिलेक्शन रेट यानी क्वालिफाइंग रेट, वो है MGS का बहुत हाई। अगर रिटर्न क्वालिफायर की बात की जाए तो वो तो बहुत सारे हैं, बट अगर आप बात करो रिकमेंडेशन की, वो भी हमारे पास ट्रिपल डिजिट, डबल डिजिट, इवन सिंगल डिजिट में राहुल अनकम और हमारे प्यारे त्रिपाठी जी ही हैं जो ऑल इंडिया रैंक 4 और ऑल इंडिया रैंक 8 ला चुके हैं। और अब एक सबसे जरूरी बात जो कि मैंने इन पॉइंट्स में नहीं रखा है, मुझे पता है कि NDA एस्पिरेंट हमारा गांव से भी आता है, वैसे भी आता है जो खुद पढ़ा कर पढ़ता है, तो हर एक बच्चे का सपना सच हो सके इसके लिए सबसे जरूरी होती है वो कोर्स जो वो ले रहा है वो अफोर्डेबल हो। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखकर मिनिमल कॉस्ट जो पॉसिबल हो पाई है वो रखी गई है। तो इस पूरे 8 महीने के कोर्स की जो फीस रखी गई है वो रखी गई है मात्र 1500 रुपए, जिससे कि हर एक बच्चा अपना सपना सच कर सके। तो बेटा अब आपके हाथ में है, अब तुम्हें अगर करना है तो इस कोर्स को ज्वाइन करो, क्योंकि करने वाले को तरीका मिल जाता है और नहीं करने वाले को बहाना। अगर आपने ये मन बना लिया है इस बार NDA फोड़ने का, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस मोस्ट पॉपुलर बैच को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है, अभी अभी जाओ उस पर क्लिक करो और हमारे MGS परिवार का हिस्सा बनो। मिलते हैं बैच में। जय हिंद।